दोस्तों, अगर आप भी चलाते हैं गूगल और उस पर करते हैं कई सारी इन्फॉर्मेशन को सर्च, तो आप ये वीडियो देखते रहिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बात करने वाला हूँ कुछ ऐसी 5 से 6 चीज़ें जो आपको कभी भी गूगल पर सर्च नहीं करनी चाहिए। अगर आप ये चीज़ें करते हैं तो शायद आप प्रॉब्लम में भी पड़ सकते हैं। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि मैं आज आपको गूगल सर्च की कुछ ऐसी डेंजरस चीज़ें बताने वाला हूँ। तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूँ आशीष, आप देख रहे हैं टेक्नो पाठशाला। तो बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, हम लोग को अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर कोई नॉलेज चाहिए तो इजीली हम गूगल पे जाके सर्च कर लेते हैं और वहाँ से वो नॉलेज गेन कर लेते हैं। अब बात आती है कि कोई प्रॉब्लम आ जाती है या फिर कोई चीज़ हमें जाननी पड़ती है तो हम गूगल पे सर्च करने लगते हैं। लेकिन अब आपको क्या पता है कि हर चीज़ गूगल पर सही नहीं होती है। तो उसी के आधार पर मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसी 5 चीज़ें जिसको आपको कभी भी गूगल पर सर्च नहीं करना चाहिए। सबसे पहली चीज़, आपको किसी भी कंपनी का कस्टमर केयर नंबर कभी भी उस पर सर्च नहीं करना चाहिए। बोलेंगे आप, क्यों भाई, गूगल पे तो कस्टमर नंबर आराम से मिल जाते हैं किसी भी कंपनी का। मान लीजिए आप यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का कस्टमर केयर नंबर अगर सर्च करते हैं तो हैकर्स लोग कुछ ऐसे होते हैं, वो सेम वेबसाइट यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया की तरह ही बना के रख देते हैं गूगल पर, जो कि सिमिलर लगती है यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया की तरह। अब एग्जाम्पल के लिए गूगल से कोई पूछेगा कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, तो शायद फेक वाला नंबर भी आपके सामने आ जाए। और वो नंबर आपके सामने आ गया, उसको अगर आप फोन पे बता देते हैं तो वो आपको अकाउंट नंबर पूछ लेगा, आपका सीवीवी कार्ड नंबर वगैरह पूछ लेगा, और इससे जरिए आपके अकाउंट पर फिशिंग अटैक या फिर आपकी पूरी जितनी भी कमाई होगी वो भी जा सकती है। तो आप कभी भी किसी भी कंपनी का जिससे लेन देन की बात चल रही है कभी भी उसका कॉन्टैक्ट नंबर ना निकाले। अब आप पूछेंगे निकाले कैसे, तो भाई कभी भी आपको किसी भी कंपनी के किसी भी उसका कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए तो आप पर्टिकुलर गूगल पे उस वेबसाइट पर जाएं और उसी की पर्टिकुलर वेबसाइट पर जाकर कॉन्टैक्ट अस या फिर अबाउट अस का ऑप्शन होता है हर वेबसाइट में, वहां से आप उनका जीमेल या फिर कॉन्टैक्ट नंबर निकाल सकते हैं। दूसरी चीज, ऑनलाइन बैंकिंग सर्विस, मींस आपने देखा होगा आपको कभी भी पेमेंट करनी पड़ती है तो आप जैसे नेट बैंकिंग भी करते हैं तो आप देखते हैं आप डालते हैं SBI नेट बैंकिंग तो सीधे गूगल उसकी वेबसाइट पे ले जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसी मिसलिनियस प्रॉब्लम भी हो जाती है गूगल के साथ कि आपको वो सिमिलर सी फेक दिखने वाली वेबसाइट पर ले जाएगा और जहाँ आपने उस पर अपना यूजर नेम और पासवर्ड डाल दिया एक्सेस उसको मिल जाएगी, वो इजीली आपके अकाउंट पे एक्सेस कर पाएगा और वहाँ से OTP भी जनरेट की जरूरत नहीं होती और इजीली डायरेक्टली आपके बैंक से दूसरे बैंक में वो पैसे ट्रांसफर कर लेगा और आपका नुकसान भी बहुत बड़ा हो सकता है अगर आप ऐसे भी सर्च करते हैं ऑनलाइन पेमेंट को। तो तीसरा सबसे बड़ा मेन कारण आता है जो कि ज़्यादातर लोग सर्च करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मुझे बुखार आ गया या फिर तबीयत खराब हो गई तो सिंपली गूगल पे जाके पूछते हैं बेस्ट मेडिसिन फॉर सिरदर्द वगैरह वगैरह वगैरह, बेस्ट मेडिसिन फॉर हेडेक। तो आप अगर ये सर्च करते हैं तो भाई देखो गूगल पे इन्फॉर्मेशन तो वगैरह ठीक मिलती है लेकिन पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन होती है वो इतनी ठीक नहीं होती है। फॉर एग्जांपल कोई दवाई के बारे में, अब वो क्या पता वो दवा पहले ही बैन हो गई हो और वो अभी भी गूगल पे शो कर रहा है, तो आप अगर वो दवा खाएंगे तो उससे आपको भी नुकसान हो सकता है। तो आप पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लें फिर गूगल पे देखें, अगर सेम मिलता है तो ठीक है, अदरवाइज गूगल पे विश्वास मत कीजिए। चौथी चीज आती है जो ज्यादातर लोग सर्च करते हैं, वो होता है ऐप या फिर सॉफ्टवेयर। आपने देखा होगा कोई ऐप्स ऐसे होते हैं जो कि गूगल प्ले स्टोर पर परचेस करके मिलते हैं, तो आप उनका मोड वर्जन या फिर हैक्ड वर्जन गूगल पे जाके लिखते हैं तो आपको वहां पर ऐप्ड या फिर APK फाइल मिलती है, तो वहां से आप वहां से वो ऐप डाउनलोड करेंगे तो वो मेलवेयर भी इंस्टॉल होता है उन ऐप के और उस ऐप के थ्रू आपका सिस्टम या फिर एंड्रॉयड डिवाइस होगा वो भी खराब हो सकता है। अगर आप उन ऐप के थ्रू जाएंगे अपने सिस्टम को इंस्टॉल करेंगे तो जिससे आपके सिस्टम में वायरस मेलवेयर वगैरह वगैरह जैसे ऐप इंस्टॉल हो जाएंगे और आपको ज्यादा ऐड देखने के लिए भी मिल सकते हैं आपके स्मार्टफोन में। तो कभी भी कोई भी हैक्ड सॉफ्टवेयर आप गूगल पे सर्च ना करें, और गूगल पे सर्च करें तो एक पर्टिकुलर ब्रांडेड वेबसाइट APK मिरर और गूगल प्ले स्टोर से ही करें और किसी भी साइट से ऐप या सॉफ्टवेयर डाउनलोड ना करें। और अगला जो मेन चीज आती है, आपने देखा होगा आप किसी भी गवर्नमेंट वेबसाइट पर जाएंगे तो वहां पर आप देखते हैं कि गूगल पर डाल देते हैं गवर्नमेंट वेबसाइट या फिर गवर्नमेंट जॉब्स या फिर किसी भी रिलेटेड सरकारी जो भी वेबसाइट होती है वो भी हैकर्स कई लोग ऐसे होते हैं कि सिमिलर बना के रखते हैं, मतलब उनका URL भी बिल्कुल सिमिलर होता है, थोड़ा बहुत चेंजेस करते हैं अदरवाइज पूरी सिमिलर बना के रखते हैं। अगर आप ऐसे सरकारी वेबसाइट पर जाते हैं तो आप उसे पहले ये देख लीजिए उस वेबसाइट के पीछे GOV.NIC.IN लिखा हुआ है या नहीं। अगर किसी भी
गवर्नमेंट वेबसाइट पे ये नहीं लिखा है तो समझ जाइए वो गवर्नमेंट वेबसाइट नहीं है, वो फेक है। तो आप उस पर अपनी पेमेंट वगैरह या फिर उससे कोई भी इन्फॉर्मेशन मत लीजिए, नहीं तो आपको प्रॉब्लम में पड़ सकती है। तो ये थे 5 से 6 कुछ कारण जिसके जरिए आपको पता चल गया होगा कि गूगल पर हमें क्या सर्च नहीं करना चाहिए। अगर आप और भी जानना चाहते हैं क्या मेरे से छूट गया है तो मुझे कमेंट्स में बता दीजिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर कर दूंगा। और आपको ऐसी ही टेक रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखनी है तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर रोजाना टेक से रिलेटेड और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आती रहती हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कल मिलते हैं।